अरे नोबिता, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? असल में नोबिता को पहाड़ के ऊपर जाना पसंद नहीं है, इसलिए नोबिता खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं। सुनिए, तो फिर बात क्या है? बस मुझे कम ऊंचाई वाले पहाड़ अच्छे लगते हैं। नोबिता, पहाड़ अक्सर ऊंचे ही होते हैं, समझे तो? नोबिता बहुत बुद्धू है। देखो सब बच्चे चुप हो जाओ। फिक्र मत करो, थोड़ी ही देर में बस ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है। क्या करे, मशीन है। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई अच्छी सी महंगी बस करते हैं, है ना? रिमोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लो, तुम अपना लंच घर पर ही भूल गए थे। तुम कितने अच्छे हो, शुक्रिया। हाँ, वैसे तुम्हारी बस यहाँ पर क्यों रुकी हुई है? लगता है हमारी बस खराब हो गई है। क्या? अरे मां, प्लीज ठीक करो ना, प्लीज ठीक कर दो ना। अच्छा, मैं ये इस्तेमाल करूँगा। रेड ऑफ लिक्विड। यहाँ से सुनिए, इस लिक्विड की मदद से हर चीज चलने लगती है, लेकिन सिर्फ एक घंटे के लिए। अब ये बस भी चलने लगेगी, चलो आकर देखिए। अरे ये बस तो ठीक हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों, हमें ऊपर तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगेगा। जाकर ऊपर तुम लोगों का इंतजार करूंगा। तुम लोग ऊपर आते समय पूरे अनुशासन में रहना, ठीक है? लेकिन सर सुनिए, मेरा आपसे एक सवाल है, आप वहाँ पर कैसे जाएंगे? तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, मैं अभी बताता हूँ। उसमें जाऊँगा मैं वहाँ पर। क्या तुम मुझे अपनी गेम दिखाओगे? क्यों नहीं, इस पहाड़ पर चढ़ना तो आसान है। तुमने बिल्कुल सही कहा जियान। अच्छा ये बताओ, तुम आज लंच में क्या लाए हो? वो एक सीक्रेट है। पहाड़ी पर बहुत सुंदर फूल होंगे। मैं नहीं जाना चाहता। पता नहीं नोबिता ठीक से ऊपर चढ़ पाएगा या नहीं। मैं तुम सबको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। पता है आज मेरा खाना एक बहुत ही कमाल के शेफ ने बनाया है। और हाँ, एक और बात, वो खाना सिर्फ 4 लोगों के लिए ही है, समझ गए ना? और हमेशा की तरह मेरे लिए कुछ नहीं है। अरे वाह, क्या बात है, तुम समझ गए नोबिता। आगे निकल गए होते। हाँ सही कहा। उठो नोबिता, चलो ना, रास्ता लंबा है, हमें अभी आगे जाना है। मुझे पता है, पर मैं चल नहीं सकता, मैं थक गया हूँ। तुम लोग जाओ। नहीं नोबिता, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते, हम सब लोग ग्रुप में चलेंगे। जब मैं छुट्टियों में अपने अंकल के घर गया था तो बहुत मजा आया। तुम्हें पता है शिशुका, हमारा ग्रुप सबसे पीछे है। जल्दी आना नोबिता। देखो इस तरह से हार मत मानो। ये तो बिल्कुल नोबिता की तरह लग रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं दिखता। अच्छा सुनो नोबिता की तरह दिखने वाले बंदर, क्या तुम ये केला खाओगे? अभी नहीं मिलेगा। देखो मैंने इसको बुद्ध बनाया। इसका तो दिमाग भी नोबिता जितना ही है, देखो। अरे उन्हें परेशान मत करो। ठीक कहा, ये गलत बात होती है। अरे मुझे किसी पक्षी की आवाज़ सुनाई दे रही है। अरे ये पक्षी तो डोरी में फंसा हुआ है। ये जरूर झील के पास गया होगा। ये लो मैंने निकाल दिया, अब तुम आजाद हो। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। जो गेम मैंने तुम्हें 3 साल पहले दी थी, क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है? हाँ, और जानते हो आज मैंने अपना लंच खुद बनाया। क्या सच में? हाँ। किस में और चलना होगा? ये नोबिता बिना, यहीं छोड़ दो उसे। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ? ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। अपने दोस्तों को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है। डोरेमोन। दोस्तों रुके क्यों हो, चलो। अरे ये अचानक नोबिता को क्या हुआ? बस अब तुम अपने
भी चलो। हाँ, मुझे बात करते हैं। वो देखो कितना ऊंचा पेड़ है। पहले पहुंच गए नोबिता, तुम अकेले नहीं जा सकते। रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। तेज तेज और तेज। नहीं, रुक जाओ। वैसे सीढ़ियों पर डाल देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अब मजा आएगा। कैंसलिंग लिक्विड। अरे नहीं, इसे शरारत के लिए इस्तेमाल मत करो। बस थोड़ी सी देर और डोरेमोन। मुझे वापस दो, रुको। ये क्या किया तुमने? जब हम ये कैंसलिंग लिक्विड स्प्रे करते हैं तो ग्रेड अप लिक्विड का असर खत्म हो जाता है। अब मुझे ये वापस दो। मुझे ये गैजेट रखने दो ना। रुको रुको, पता नहीं मैं इस गैजेट का इस्तेमाल कर पाऊंगा या नहीं। रुक जाओ, ऊपर नहीं पहुंच जाता। मुझे ये जल्द से जल्द वापस दो वरना मैं तुम्हें। इसे अपने पैरों पर फिर से स्प्रे करता हूँ। अरे नहीं, रुक जाओ। मुझे वापस करो अभी, इसी बात। नोबिता, रुको जरा, तुम्हें तो मैं। इसे छोड़ दो जियान। तुमने देखा ना इसने क्या किया। हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ ठीक है ना नोबिता। ठीक है, तो चलो चले, मुझे तो भूख भी लगने लगी। हाँ मुझे भी। हम भी चलते हैं। होती जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है। सुनो दोस्तों, दूसरे ग्रुप हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। अरे दोस्तों, क्या तुम बता सकते हो ये बड़ी सी चीज क्या है? मुझे तो ये दिखने में कुछ कुछ मशरूम जैसा लग रहा है। ये तो कुछ अलग है। ये बहुत डरावने लग रहे हैं। लिक्विड के कारण तो नहीं हो रहा। आखिर ये बंदर यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं? कोई आगे मत बढ़ना। मम्मा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये बंदर हमारा खाना खाना चाहते हैं। मेरा खाना उतना स्वादिष्ट नहीं है, मुझे छोड़ दो। अरे बात यार, को परेशान नहीं करना चाहिए। देखो तुमने उसे रुला दिया। सुनो शिजुका, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं कहती हूँ उसे छोड़ दो, ऐसा मत करो। इसे मुझे दो। जियान जीत गया है। अरे इसके हाथ में क्या है? अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं अब कैंसलिंग लिक्विड इस्तेमाल करता हूँ। देश क्या? देश क्या? मम्मा। देश क्या? मेरे मुझे वापस दो। डोरेमोन। भागो यहाँ से। हमें और तेज दौड़ना होगा। तेज दौड़ रहे हैं।
जा रहे हैं। अब हम सुरक्षित हैं दोस्तों। उस बंदर ने डोरेमोन का गैजेट ले लिया था, पर जियानो और सुनियो ने उसे तंग किया, इसलिए ऐसा हुआ है। मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा मतलब ये सारी गलती हमारी है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाओ, ये वक्त लड़ने का नहीं है। मैं अपना स्पेशल लंच किसी को नहीं देना चाहता। देखो, अगर सारे बंदर चले गए तो हम यही खाना खाएंगे। नहीं, हम सबको पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर एक साथ खाना है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो वो मेरा लंच खा जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे पास एक आइडिया है, जियान जल्दी से छीन। हाँ, भागो। अब हम क्या करने वाले हैं डोरेमोन? मैं अपना खाना उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं देने वाला हूँ। अब मैं खाना नहीं बचा पाऊंगा। सुनियो, अपने बैग से सारे केले निकाल लो। लेकिन मैं अपने केले क्यों निकालूं? हम इन्हें केले देकर भाग सकते हैं। क्या कोई और आइडिया नहीं है? वो दरअसल मेरे केले बहुत महंगे हैं। तुम चुप रहो, जल्दी से चुपचाप वो केले निकालो। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? अच्छा, ठीक है जी यान। ये देखो सुनो, यहाँ से जल्दी निकलो। सुनियो, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। वो मेरे महंगे केले खा रहे हैं। नहीं। अरे, ये तो हमारे बहुत पास आ गए हैं। मैंने इतनी बड़ी नदी पहले कभी नहीं देखी। लगता है ग्रेड अप लिक्विड हर जगह फैल चुका है। देखी सूखी नोबिता, तुम्हारी वजह से हम फिर फंस गए। हम ये नदी पार कैसे करेंगे नोबिता? मुझे नहीं पता दोस्तों। देखो, वो आ रहे हैं। क्या तुम हमें यहाँ से? मम्मा, अब मेरा लंच ये बंदर खा जाएंगे। ये वही पक्षी है जिसे शिजुका ने बताया था। ये पक्षी तो काम का निकला, पर इतना बड़ा कैसे हुआ? अरे, तुम तो वही पक्षी हो ना। चलो चलकर मेरे दोस्तों को भी बचा लो प्लीज। सुनो दोस्तों, तुम सब इस पक्षी की टांगे पकड़ लो। लेकिन ठीक है, तुम सब मुझे पकड़ लो। थैंक यू यार। कोई बात नहीं दोस्तों, चलो चलें। चलो नीचे उतरो। फिर मिलेंगे। बंदर कितने गुस्से में लग रहे हैं। कितना मजा आया, मैंने अपना लंच बचा लिया, मैं बहुत खुश हूँ। चलो सब लोग चोटी पर एक साथ चले। Ha ha ha!
क्या हुआ नोबिता? माफ करना। कोई बात नहीं नोबिता। दूसरे ग्रुप चोटी पर पहुंच चुके होंगे, हमें भी पहुंचना होगा। अरे इसको तो अभी अपने ग्रुप की चिंता हो रही है। डोरेमोन, क्या तुम उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हमें उनसे मुकाबला करना होगा। रुको, मेरे पास एक गैजेट है। क्या सच में डोरेमोन? यह कोई ना कोई बात। एक मिनट रुको तो। अरे मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा कि हमें हमारा खाना चाहिए, अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम उस लड़के को नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करें? वो लड़की सभी को उठा कर ले गए, हमें उसे छुड़ाना होगा। अगर तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मुझे भी अपना लंच तुम्हें देना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, दे देता हूँ, नहीं तो तुम मारोगे। ये हुई ना बात, सुनियो। सुनो दोस्तों, वहाँ उस तरफ चलो। कि तुम ठीक तो? अच्छा हुआ तुम सब आ गए। उसने कहा अगर तुम्हें तुम्हारा दोस्त चाहिए तो हमें खाना देना होगा, वरना दोस्त नहीं मिलेगा। देखो हम सारा लंच देने को तैयार हैं, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे दोस्त को छोड़ना होगा। नोबिता, क्योंकि तुमने उनको एक गैजेट ले जाने दिया। चलो हमसे माफ़ी मांगो। मुझे माफ करना। दोस्तों चलो अब चलते हैं, हमें जल्दी से चोटी पर पहुंचना है। हाँ तुमने सही कहा, चलो जल्दी चले। ये खाने में केला मांग रहे हैं। लेकिन मेरे पास और केले नहीं बचे हैं दोस्तों। तुम सच कह रहे हो ना सुनियो? अच्छा ठीक है, देता हूँ। अरे यही तो रखा था, ये लो। आखिर ये मुझे वापस मिल ही गया। इसे मुझे वापस दो। अरे नोबिता जल्दी से ये मुझ पर डाल दो, मैं उनसे अपना लंच वापस लेकर आता हूँ। जल्दी डालो। हाँ ठीक है। अरे ये तो खाली हो गया। मुझे कोई परवाह नहीं। हे बंदरो, मैं आ गया हूँ, मुझे मेरा लंच वापस चाहिए। ऊपर उड़ गया है, मुझे माफ कर दो। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब जो भी है, मैं हूँ ही इतना शक्तिशाली, क्या करूँ। ओ तो अच्छा, तुम सब लोग आ ही गए। देख चुकी भी ग्रुप में है, लेकिन तुम लेट हो गए हो। सर दरअसल इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। क्या कहानी है, मैं भी तो सुनूं। नहीं नहीं था, आए तो हेलो बोलना। उन्होंने बोला था आपको हेलो बोलने के लिए। बताओ कौन थे वो? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? उनका नाम क्या था? अरे वो तो मैंने पूछा ही नहीं। अच्छा कम से कम उनका चेहरा तो याद होगा ना? वो कैसे दिखते थे, उनकी आंखें कैसी थी और नाक? उनकी आंखें मुझे याद नहीं, वैसे उनकी हाँ उन्हें दो आंखें थी और नाक आंखों के ठीक नीचे थी और एकदम उनके चेहरे पर था। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी काम है। ये क्या नोबिता, तुम बहुत ही लापरवाह लड़के हो। मैं जानता हूँ मैं एक लापरवाह लड़का हूँ। मुझे तो लगता है कि नोबिता अगर तुम मॉम और डैड को उनका चेहरा बता दो तो शायद उन्हें याद आ जाए उनके बारे में। तुम कहना क्या चाहते हो? अंकल
पहले ही जा चुके हैं तो मुझे उनका चेहरा कैसे दिख सकता है? अब ये क्या है? सबसे पहले इसे पहन लो। तुम क्या कर रहे हो डोरेमोन? ये काफी अलग अलग लोगों की फोटोज हैं। तुम्हें उनके फोटो जैसा कोई चुनना है। उनसे मिलता जुलता फोटो चुनना तो थोड़ा मुश्किल होगा। किसका ढूंढना होगा? चेहरे का कोई भी हिस्सा समझने के लिए इनमें से जैसे शिजु का जैसी आँखें, उसके लिए S026 और जियान जैसी नाक के लिए G613 और अब सुनियो जैसे मुंह के लिए S183। अब अपने आप को देखो। इसी तरह तुम कुछ भी बन सकते हो। मेरे चेहरे से खेलना बंद करो डोरेमोन, मुझे वापस पहले जैसे बना दो। पहले जैसा बनने के लिए तुम्हें सिर्फ रीसेट बटन दबाना है। इसी तरह हम उन अंकल का चेहरा भी बना सकते हैं। कुछ चूज करो। ठीक है, अब तुम इसमें से देखो। मैं समझ गया, सही रहेगा अगर मैं चेहरे के हिस्सों को बताऊं। अरे इनकी नाक उससे मिलती है। ये नाक है S027 और ये वाला मुंह T302। ओके, और ये वाला चेहरा और आईब्रोज ये वाली, और हाँ बाल ऐसे दिखते थे। K654 J778 L234। अब एक बार चुने हुए हिस्से को एक एक करके जांच लेते हैं। सबसे पहले ये वाली नाक। उसके बाद मुंह, आंखें और आईब्रो, बालों का तरीका और चेहरा। यही सब है वो। वो अंकल बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। डैड, मॉम, जरा बताओगे कि तुम कौन हो? अरे मॉम, ये मैं हूँ। मैं किसी अंकल जैसे दिखने वाले बच्चे को नहीं जानती। मैं नोबिता हूँ। नोबिता? आज जो अंकल हमसे मिलने आए थे उनका चेहरा याद दिलाने के लिए मैंने ये चेहरा बनाया है। इस चेहरे वाले अंकल को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। ये चेहरा तो बिल्कुल उस अंकल जैसा है, लेकिन अरे हाँ, अगर तुम इसी तरह बाहर जाते हो तो कोई इस चेहरे को पहचान ही लेगा। नोबिता, देख लेना इस अजीब से चेहरे के साथ। पता तो लगाना पड़ेगा ना कि वो अंकल कौन थे। उस अंकल के चेहरे के साथ घूमना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। शिजुका, हेलो डोरेमोन, तुम यहाँ कैसे हो? हाय शिजुका। क्या कर रहे हो? बाय बाय। ये तुमने क्या किया नोबिता? तुम्हें चेहरा दिखाने के लिए कहा था, लेकिन मजा आएगा ना? अब बहुत मजा आएगा। जियान सुनियो, क्या तुमने इस चेहरे को देखा है? डोरेमोन, ये अंकल कौन है बताओ? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। शुक्रिया। चलो हम पुलिस अंकल को पूछते हैं। सुनिए सर, क्या हुआ बताओ? आपने इस चेहरे वाले अंकल को देखा है? शायद मैंने इस चेहरे को कहीं देखा है। क्या आपको यकीन है? अरे मैंने बिल्कुल अभी अभी इसे देखा है। हाँ देखा है मैंने। कहाँ देखा है? ऐसा लग रहा है कि इस चेहरे को पुलिस स्टेशन की दीवार पर देखा है। क्या, पुलिस स्टेशन की दीवार पर? चलो चले। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वो चेहरा तो चेहरा बिल्कुल इस लुटेरे अंकल से मिलता है ना डोरेमोन? उसके अधूरो मैं तुम्हें पकड़ के आ रहा हूँ।
स्टेशन के आसपास ही पाया गया है, समझे? कृपया मुझे अभी के अभी मदद चाहिए। मुझे वापस पहले जैसे बनना होगा। भाई आप यहाँ इस तरह से बाहर घूमना ठीक नहीं है। घबराइए मत, मेरे साथ चलिए। हमें सीक्रेट जगह पर पहुँचना होगा। क्या सीक्रेट जगह? पता नहीं कहाँ चला गया ये। अच्छा तो तुम यहाँ छुपे हुए हो। तुम्हारा चेहरा जल्दी पहले जैसा हो जाएगा। चेहरा? क्या मैं अपना चेहरा बदल सकता हूँ? तुमने पहले किया तो था। ये तो असली चोर है। चुप हो जाओ, ये मुझे दो। अगर मैंने चेहरा बदल लिया तो मजा आ जाएगा। नहीं, नहीं। आप चल क्यों नहीं रहे हैं? जल्दी अंदर चलिए। अरे अंकल, ये चेहरा मेरा नहीं है। क्या क्या कह रहे हो? भाई आप सही टाइम पर आए हो, लेकिन फिर मैंने जिसे पकड़ा है वो है कौन? वो अजीब सा चेहरा, वो मेरा चेहरा है। आखिर ये हो क्या रहा है? यहाँ दो लोग हैं जिनका चेहरा बिल्कुल अजीब है। बार बार अजीब चेहरा मत बोलो। इनमें से कौन सा चेहरा असली है? चुप हो जा। मैं असली हूँ, इसे पकड़ कर अभी बांध दो। अच्छा तो तुमने इससे मेरा चेहरा बनाया है? बताओ ये कैसे काम करती है? अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें। ठीक है मैं आपको बताता हूँ। आँखों के लिए शायद ये ठीक रहेगा। ये वाला काफी अच्छा है आपके लिए। अगर भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तुमने हमारे चेहरे देख लिए तो हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। क्या उन्होंने हमें ढूंढ लिया? बस रुको, दोनों हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। चलो मैं बच गया। ठीक है चलो अब हमारे साथ। अरे पुलिस अंकल, आपको गलत फहमी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरा चेहरा बदलो। शुरू हो जा। मेरी बात सुनिए अंकल प्लीज, वो मैं नहीं हूँ। अरे रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते, पकड़ो उसे। हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहे। डोरेमोन, हमें उस सीक्रेट जगह पर जाना है और मेरा चेहरा पहले जैसे बनाना है। अरे ये क्या कर दिया? क्या मजाक है, तुमने मेरा चेहरा इतना अजीब बना दिया। समझ गया, मैंने गलत बटन दबाया है। मेरा चेहरा वापस पहले जैसा कर दो। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। हमें फिर से डांट पड़ी है क्या? मॉम ने मुझे इतना डांटा नहीं चाहिए था, मैंने तो बस थोड़ी सी गलती की थी। इसमें गलती तुम्हारी है नोबिता। मुझे मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे यहाँ से दूर जाना है। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? हाँ हाँ सचमुच, मुझे मॉम बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे बहुत डांटती है। हाँ, समझ गया, मेरे पास इसके लिए कुछ है। ये क्या है? अगर तुम इसकी एक गोली खाते हो तो मॉम तुमसे 300 मीटर दूर रहेंगी, समझ गए? वाह,
आया है। देखा? लेकिन फोन पर बात करने के बाद वो हम ऊपर ही आएंगे ना। अच्छा ठीक है शांत हो जाओ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ बाद में बात करते हैं। नो बेटा फिक्र मत करो, नो बेटा क्या फिक्र मत करो, देखो मॉम आ रही है। कोई घर पर है क्या? हाँ 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 आती हूँ। जब तक तुम उनसे नहीं मिलने जाओगे तब तक वो भी तुमसे नहीं मिल पाएंगी। क्या कभी नहीं? हाँ कभी नहीं। ठीक है जब मुझे चाहिए तब मैं उनसे मिलूँगा। अब ये करने की क्या जरूरत है? सुनो मॉम लगता है वो घर पर नहीं है। मुझे लग रहा है वो बाहर गई होंगी। वो यहाँ भी नहीं है। मैंने उनकी आवाज़ यहाँ पर सुनी थी बगीचे में। मॉम यहाँ भी नहीं है। शायद वो किचन में गई होंगी। हो सकता है वो ऊपर चली गई हो। डोरेमोन ये क्या हो रहा है? ये देखिए ये भी काम नहीं कर रहा, इसे भी ठीक करना होगा। ठीक है मैं इसे ठीक कर दूंगा। मैं मॉम का यही इंतजार करूंगा और वो मुझे यहीं पर मिलेंगी। लेकिन तुम मुझे नहीं मिल सकती। मैं अभी आ रहा। मैं इसी हफ्ते मरम्मत का काम शुरू कर दूंगा। ठीक है एक बार फिर से मैं पीछे की ओर जाकर अच्छी तरह देख लेता हूँ। जब तक तुम 300 मीटर नहीं चलोगे तब तक उनसे नहीं मिल पाओगे। तो क्या मुझे अब 300 मीटर चलना पड़ेगा डोरेमोन? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार मैं उनसे मिल सकता हूँ। नोबिता मेरे पास आओ। क्योंकि तुम मॉम के कहने पर उनके पास गई थी। मैं मॉम से नहीं मिलना चाहता। जा रही हूँ।
चलो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। डोरेमोन, मॉम कहाँ है? मॉम बाजार गई हुई है। आपको लंबे समय के बाद देखा। अरे हेलो। अरे आप कहीं जा रही हैं क्या? मैं विदेश घूमने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी आपकी तरह घूमने जाना चाहती हूँ। मैं जाऊंगी। आपने विदेश जाने का पहला टिकट जीता है। विश्वास नहीं होता। अखिल मॉम कहाँ चली गई? पता नहीं, उन्हें यही होना चाहिए। अरे किसी ने विदेश यात्रा का पहला टिकट जीता है। वो शायद मिसेस स्नोबी है जिन्होंने ये टिकट जीता है। मुझे मिल गया। अब मैं एक साल के लिए बाहर खाना खा सकती हूँ। अब मैं एक साल अच्छे से एंजॉय करूँगी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। अरे नहीं डोरेमोन, मॉम विदेश जाने वाली है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा नोबिता। डोरेमोन तुम कुछ कर सकते हो? बुरी बात तो ये है कि तुमने सारी गोलियाँ खा ली, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं समझ गया, मुझे क्या करना होगा। मुझे अब चलना होगा, चाहे वो 3,000 किलोमीटर हो या फिर 10,000 किलोमीटर, मुझे बस चलते रहना है। तब तक जब तक मॉम ना मिले। सुनो नोबिता, क्या तुम सच में चलते ही रहोगे? हाँ डोरेमोन, मैं चलता रहूँगा और तब तक चलता रहूँगा जब तक मॉम मुझसे ना मिले। मुझे कम से कम 1,000 किलोमीटर चलना है। अब तक तो सिर्फ 10 किलोमीटर ही हुए हैं। मॉम